अब आज हम टॉपिक देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस ये एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सारे के सारे 19 क्वेश्चंस है इसमें, 19 क्वेश्चंस दे रखे हैं मेथड ऑफ डिफरेंस में। हम ट्राई करते हैं कि उन सबको सॉल्व करके देखते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे जो मैं बताता जा रहा हूँ। एक तो है ना, 10th के सारे बच्चे आ गए, 10th के चलो। अब देखो बच्चे, मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होता था, दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूले थे, 1 + 2 + 3 टिल अप टू एन हाँ इज इक्वल्स टू एन एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला 1² + 2² टिल अप टू एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एन प्लस 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6, 1³ + 2³ टिल अप टू एन क्यूब इज इक्वल्स टू एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, बिना इन फॉर्मूले के नहीं समझ आएगा। फैक्टोरियल का मतलब सबको क्लियर होना चाहिए, फैक्टोरियल का मतलब पहले भी बता चुका हूँ। अब जैसे अगर हमारे पास एक और चीज टर्म थी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन देखते हैं कि ये हमारे पास अगर दे रखा था तो 1/2n - 1 इंटू 2n + 1, तो स्वयं स्वयं यस स्वयं सर इसमें बड़ी टर्म कौन सी थी, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सर बनाते थे, टू बड़ी एन टर्म कौन प्लस सी है, सर बड़ी टर्म 2n + 1 सर जो डिफरेंस होगा हम टू। देखेंगे 1/(2) × 1/(1)·1 टू एन प्लस वन। वन अब जैसे अगर आता है तन्मय, तन्मय बच्चे आवाज आ रही है, चलो आवाज नहीं आ रही। ये कहता है कृष्णा, सर इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, जल्दी बोलो। इसका बनेगा सर 1/3 वेरी गुड, वन वन अपॉन 3n + 1 − 1/(3n+4) वेरी गुड। छोटी टर्म माइनस बड़ी टर्म, सर सर हाँ आपने अभी बोलो। तक क्या करवाया सर 5 मिनट में वो कनेक्टिविटी इशू हो अब गया था कुछ सर। नहीं बच्चे, यही यही चल रहा है, ये बस यही जो बोर्ड पे लिखा है वही करा है। अच्छा ठीक है सर अच्छा, अब 2n + 1 × 2n + 5। अब ये क्या होता है, गर्व जल्दी से बोलो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस। सर 1/4 − 1/(2n+1) − 1/(2n+5) −1/(2n+5), डाउट तो नहीं है बच्चे। अब ये वाली चीज के अलावा, अब देखो बच्चे, ये तो आपको सबको पता होने ही चाहिए, अगर ये नहीं पता तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़े से ये क्वेश्चंस करने हैं। बच्चे पेज नंबर 4, असाइनमेंट का पेज नंबर 4, ठीक है। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस, अगर खोल सकते हैं तो खोल लेंगे, ये ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। इसका मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब है, द टर्म शुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ TR + 1 − TR या TN − TN − 1। इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दोगे टर्म्स को तो आपका सम निकल सकता है आसानी से, नहीं तो नहीं निकल सकता। अब देखते हैं बच्चे कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे लेट सपोज हमारे पास दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पहले वाले ही ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास था तन्मय, बच्चे आवाज आ रही है तो बोल देना, 2 × 3 + 1/3 × 4 टिल अप टू 1/(n) × n+1। तन्मय, अच्छा यस चलो सर तन्मय बच्चे, इसकी nth टर्म क्या है, बोलो जल्दी से बोलो। बोलो चलो, क्या होता है, निशी निशी मल्लिका,
यस सर। मल्लिका इसकी एन टर्म बोलो जल्दी से। सर वन अपॉन ए एन ऑफ वन टू एंड थ्री। ये गिवन ही है ना बच्चे, मैंने लिखे दिया वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन गिवन है। yes. तो अब ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे जल्दी बोलो। बोलो बच्चे मल्लिका। विधि 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 बोलोगे? हाँ जी सर। विधि क्या आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी बोलो। वन बाय एन माइनस वन बाय एन प्लस वन। वन बाय एन माइनस वन बाय एन प्लस वन, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन। अब टी वन जल्दी से बोलो क्या आएगी टी वन जल्दी से। वन माइनस वन बाय टू। टी टू कितना आएगा? वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री। टी थ्री कितना आएगा? वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर। टी एन कितना आएगा? तो लिखा हुआ है ऊपर टी एन। वन बाय एन माइनस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। अब एस एन क्या होता है, किसके बराबर होता है? टी वन प्लस टी टू टिल अप टू टी एन, सही है। इक्वल टू अगर एड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये और ये कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा। तो आंसर आएगा वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। डाउट है बच्चे? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो विधि एक और क्वेश्चन बोलना है तुमने, ठीक है। अब जल्दी से विधि इसका ही बोलना। वन अपॉन वन इंटू फोर, वन अपॉन फोर इंटू सेवन टिल अप टू वन अपॉन थ्री एन माइनस टू इंटू थ्री एन प्लस वन, सही है। अब टी एन बोलो क्या है जल्दी से। वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री एन माइनस टू माइनस वन बाय थ्री एन प्लस वन, थ्री एन प्लस वन। अब एस एन निकालने के लिए टी वन कितना आया जल्दी बोलो। वन बाय थ्री इंटू वन बाय फोर वन माइनस वन बाय फोर। वेरी गुड। टी टू कितना आया? वन बाय थ्री वन बाय फोर माइनस वन बाय सेवन। वन बाय फोर माइनस वन बाय सेवन, एन की वैल्यू क्या डाल दी है इस इक्वेशन में? टू। एन की वैल्यू वन डाल रहे हैं। टी थ्री कितना आया? टी थ्री वन बाय, ठीक है। एन की वैल्यू थ्री डालो, थ्री टू द सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर, थ्री थ्री नाइन, नाइन माइनस टू सेवन। टी एन कितना आया? सही है। अब एस एन कितना आया जल्दी बोलो। एस एन कितना आया? वन माइनस वन बाय थ्री एन प्लस वन। वन माइनस वन बाय थ्री एन प्लस वन। कोई डाउट है विधि? नो सर। अच्छा अब स्वयं। यस सर। स्वयं आप बोलोगे, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन है थ्री अपॉन वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव ओवर टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस सेवन ओवर थ्री स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर टिल अप टू टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। बताओगे बच्चे टी एन क्या है? यस सर। सर टी एन आएगा हमारा 2n plus 1 divided by n plus 1 का होल स्क्वायर। सर पहले इसको, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शंस बताओ जल्दी से। n स्क्वायर और n plus 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है? सर इसका डिफरेंस आएगा 1 plus 2n। देख लेते हैं n plus 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा n स्क्वायर plus 1 plus 2n minus n स्क्वायर, दैट इज 1 plus 1 2 plus 2n. तो ऊपर आ गया 2n plus 1, 2n plus 1 divided by 2n plus 1 plus 1, ये सर कैंसिल हो। तो 1 upon n square minus 1 upon n plus 1 n plus 1 whole square. Whole square. ये बात समझ आ गई? तो yes, tn आ गया आपका 1 upon n square minus
वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? नो सर. टी वन बोलो कितना आया? टी वन आएगा वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन फोर. टी टू कितना आया? वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन नाइन. टी एन कितना आएगा सर? टी एन आएगा वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर. एन प्लस वन का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो एस एन क्या आएगा, जल्दी बोलो. वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर. समझ आ गई बात? यस सर. ठीक है, अब नेक्स्ट अर्नव. यस सर. बच्चे अब आप बोलना है, ठीक है ना? आपने बोलना. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. मेरे साथ साथ बोलोगे अर्नव, ठीक है? यस सर. चलो अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, थोड़े से टिपिकल है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है. मैं बोल रहा हूँ कहाँ से, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ और ट्वेल्थ. सेवंथ से लेके ट्वेल्थ क्वेश्चन के लिए यही तरीका लगेगा. जो भी क्वेश्चन दे रखे असाइनमेंट में, सेवंथ से लेके ट्वेल्थ तक यही तरीका लगना है, इसी तरीके को लगाएंगे. ठीक है, सबको बात समझ आई है अभी तक जो कराया है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आर्यन समझ आई है बात? यस सर. चलो आप सेवंथ से आप एक बारी देखिएगा, क्या था अर्नव आंसर बोलना, देखना yes, साथ साथ में बोलना. बच्चे देखो एक छोटा सा तरीका है, मैं जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर रहा हूँ वही मेथडोलॉजी से क्वेश्चन करोगे तो आंसर मैच करेंगे. जैसे है वन ओवर वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन ओवर टू इंटू थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव टिल अप टू वन ओवर एन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू. अभी जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का तरीका दो टर्म्स के लिए था, तीन टर्म्स के लिए नहीं था. अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आसानी से. व्हाट इज अर्नव जल्दी से बोलो, टी एन क्या है? सर वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू. एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर. अच्छा मेरे को अर्नव बता सकते हो टी एन प्लस वन क्या होगा? सर टी एन प्लस वन, एन की जगह क्या डाला है? सर एन प्लस वन डाल दिया है. तो क्या लिखूं? सर वन ओवर एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस टू इंटू टू, नहीं एन प्लस टू आएगा ना बच्चा, टू एन कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है सर. ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर आ गया. अब हमेशा ये पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी इक्वेशन मान लो, दोनों को डिवाइड करो. क्या कर दो? डिवाइड टी एन प्लस वन बाय टी एन. बताओगे बच्चे क्या आया आंसर? सर आंसर आ जाएगा सर एन प्लस एन इंटू एन प्लस थ्री. सर एन प्लस थ्री अपॉन, सर एन प्लस एन प्लस एन प्लस थ्री अपॉन की, पक्का कि एन अपॉन एन प्लस थ्री आएगा? सर सेकंड को फर्स्ट से किया है ना, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट. हाँ बोलो सर. फिर एन प्लस वन और एन प्लस टू ऊपर नहीं चला जाएगा जब हम डिवीजन करेंगे? n plus 1 n plus 2 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा ना इससे. अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है. मैं ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर. ये बात समझ आ गई? अब yes, ना sir, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो ये आ गया n plus 3 into t n plus 1 is equals to n t n. कोई दिक्कत? नो सर. अब बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ढंग से सुन लेना इस चीज को, ध्यान रखना. देखो बच्चे अब आपको क्या निकालना था? टी एन निकालना ना? यस yes, सर. देखो बच्चे अब सुन लो एक बारी. अच्छा ये क्या होता है इसका, ये जो है एन टी एन को देखो, एन टी एन. हाँ बोलो, किसी और को कोई डाउट है क्या? चलो देखो बच्चे एन टी एन का, इसमें अगर एन की जगह एन प्लस वन डालोगे तो क्या आएगा बच्चे बोलो, बताओ सर. एन टी एन प्लस एन टी एन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटू टी एन प्लस वन आएगा. एन की जगह एन प्लस वन डाला तो. बात समझ आ गई? ठीक है सर. ठीक है, इसमें देखो ये जो चीज है एन प्लस वन कर दिया, प्लस टू कर दिया, इंटू टी एन प्लस वन कर दिया. कोई दिक्कत है? नहीं सर. यहां तक बात समझ आ गई? यस सर. अब इसको
इसके साथ और इसको, इन दोनों की ग्रुपिंग करनी है। एन प्लस वन इंटू टी एन प्लस वन प्लस टू टी एन इज इक्वल्स टू एन टी एन। डाउट है सर ये वाला स्टेप एक और, कोई बात नहीं बच्चे एक मिनट को। अच्छा ये समझ आ गया था, ये वाला स्टेप समझ आ गया था यहाँ तक? यस सर। हाँ तो n की जगह n प्लस वन डाला मैंने, ये बनेगा ये वाली टर्म। अब उसमें n की लेफ्ट हैंड साइड यही चीज बनानी है मैंने, तो मैंने क्या लिखा n प्लस वन और प्लस टू, n प्लस वन इंटू टी एन प्लस वन प्लस टू इंटू टी एन टी सॉरी 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 टू टी एन प्लस वन बनेगा। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब देखो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया आर्यन? सर ये लास्ट स्टेप सर किसकी ग्रुपिंग करके 2tn + 1 के आया? अच्छा एक मिनट आर्यन तुम बोलना। आप सर हमने n की जगह n प्लस वन डाले तो यहाँ पे क्यों नहीं डाला लेफ्ट हैंड साइड वाले? लेफ्ट हैंड नहीं, मैंने इसको कोई चेंज नहीं किया, चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मैं ये डाल रहा हूँ n से अगर इसके बाद वाली टर्म कौन सी होगी ये पता लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं डालूंगा नहीं। ठीक है तो अब ये कहता है आर्यन n की जगह n प्लस वन डाला, ये समझ आ गया ये वाला स्टेप ऊपर जो लिखा है? ये तो आ गया। यस सर। अब n प्लस इसको लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है n प्लस वन टी एन प्लस वन, एन प्लस वन कर दिया प्लस टू कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है n प्लस वन इंटू टी एन प्लस वन, ये बात समझ आ गई? यस सर। प्लस टू टी एन प्लस वन समझ आ गया? यस सर। अब कोई दिक्कत है? नो सर। टू टी एन प्लस वन किसके बराबर आ गया जल्दी बोल दो। दिक्कत तो नहीं सर? ये NTN कैसे बना राइट साइड पे? ये NTN तो था ही ना बच्चे, ये यहाँ से आ नहीं रहा NTN। सर आपने तो कहा था कि n प्लस वन पुट कर दो। बच्चे मैंने पुट नहीं करने को बोला, मैंने बोला पुट करके देखो क्या आ रहा है उसके बाद वाली टर्म। अच्छा। क्या है, मैंने ये नहीं बोला पुट करना है। ओके सर। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अब बताओ मेरे को, अब फर्स्ट टर्म निकालनी है तो क्या लिखूं? एन की वैल्यू क्या पुट करूं? जीरो। जीरो पुट नहीं कर सकता, क्यों? देखो ऊपर देखो, एन की वैल्यू अगर जीरो पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन पुट कर लीजिए। वन पुट करते हैं। टू टी टू कितना आया जल्दी बोलो। टी वन माइनस टू इंटू टी टू। ठीक है। Yes, sir. अब n की जगह टू पुट करो। टू टी टू माइनस थ्री टी थ्री। चलो अब क्या होता है, n की वैल्यू थ्री पुट करके देखो। थ्री टी थ्री माइनस फोर टी फोर। चलो अब n पुट करके देखो। एन टी एन माइनस एन प्लस वन इंटू टी एन प्लस वन। आप ऐड कर रहे हो तो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा? यस सर। हाँ जल्दी बोलो क्या बचेगा? टू इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? टू एस एन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। टू एस एन इज इक्वल्स टू कितना आया जल्दी बोलो? टी वन माइनस एन प्लस वन टी एन प्लस वन। एक मिनट बच्चे, मैंने एस एन गलती से लिखा है, अभी एस एन नहीं लिखना, पहले राइट साइड लिख लेते हैं। राइट साइड जो लिखा हमने वो राइट साइड क्या आया? राइट साइड टी वन माइनस साइड आएगा T1 minus n plus 1 Tn plus 1. n plus 1 Tn plus 1. कितनी बात समझ आ गई? Yes sir. मैं थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन यूज कर रहा हूँ। देखो बच्चे अब यहाँ पे देखना, अब मेरा आया 2 into जो आया था 2 into T2 plus T3 till up to Tn is equals to T1 कितना आएगा बच्चे बता सकते हो? T1 Tn कितना है? सर क्या बताने? T1
वन अपॉन एन की जगह एन की जगह क्या डालना है अब टी एन प्लस वन कितना है ठीक है ऊपर से कट जाएगा एन प्लस वन कट जाएगा यस सर तो ये आया क्या हमारे पास टी टू प्लस टी थ्री टिल अप टू टी एन इज इक्वल टू आप देखोगे वन अपॉन सिक्स माइनस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री ठीक है होल डिवाइडेड बाय टू डाउट तो नहीं sir. अब दोनों साइड क्या ऐड कर दूं एस एन लाने के लिए बोलो ये टी टू से स्टार्ट हो रहा है ना बच्चे टी वन ऐड कर दो sir. तो टी एस एन आ गया आपका टी वन क्या है वन बाय सिक्स प्लस क्या आएगा वन बाय सिक्स माइनस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय कहाँ पे आएगा नहीं ये खाली यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक डिवाइड बाय टू कोई डाउट है नो सर समझ आ गई ये बात यस सर एक और क्वेश्चन देखेंगे तब मेरे हिसाब से पूरा क्लियर होगा मेरे को बोलेगा अब विधि तुम बोलोगे यस सर चलो विधि अब तुम बोलना एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसको ध्यान से धीरे धीरे करेंगे जल्दी ट्राई करेंगे खत्म हो जाएगा वाला वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस वन और थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू नाइन टिल अप टू वन अपॉन टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन 2n plus 3 into 2n plus 5 सही है विधि समझ आ गया यस सर चलो जल्दी से tn बोल दो 1 by 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3 into 2n plus 5 very good अब जल्दी से बोलो इसका tn plus 1 क्या आएगा n की जगह क्या डालना है एन प्लस वन वेरी गुड डालो जल्दी से बोलो टू एन प्लस थ्री टू एन प्लस वन बनेगा टू एन प्लस टू माइनस वन टू एन प्लस वन एन की जगह यहाँ पे एन प्लस वन डालोगे तो क्या बनेगा टू एन प्लस थ्री एन की जगह यहाँ पे हाँ टू एन प्लस सेवन अब दोनों को क्या करना है डिवाइड हाँ जल्दी बोलो क्या आया आंसर टू एन प्लस सेवन अपॉन टू एन माइनस वन वेरी गुड अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने टू एन माइनस वन इंटू टी एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एन प्लस सेवन इंटू टी एन सही है सर टू एन माइनस अपॉन टू एन प्लस सेवन आएगा टू एन बच्चे टी एन प्लस वन ऊपर होगा ठीक ये मैंने शायद थोड़ी सी गलती कर दी ऊपर क्या आएगा 2n माइनस वन चलो 2n माइनस वन और नीचे 2n प्लस सेवन ठीक है यहाँ पे आ गया 2n प्लस सेवन 2n माइनस वन डाउट तो नहीं अब अच्छा विधि जल्दी से बोलो इसको इसकी जगह n की जगह n प्लस वन डालेंगे तो क्या बनेगा तो टू एन प्लस वन टी एन प्लस वन टी एन प्लस वन वन ये बनाना है हमने सही है लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हमने लिखा तो ये लिखेंगे टू एन प्लस वन प्लस प्लस फाइव सिक्स सिक्स सॉरी सर हाँ टी एन प्लस वन is equals to 2n minus 1 into tn सही है yes sir आप इसको लिखेंगे 2n plus 1 into tn plus 1 plus 6 tn plus 1 is equals to 2n minus 1 into tn दिक्कत
नो सर. सिक्स टी एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना आया? टू एन माइनस वन इंटू टी एन माइनस टू एन प्लस वन इंटू टी एन प्लस वन. ये बात समझ आ गई? यस सर. अब n की वैल्यू क्या, कहां से हम डालें n की वैल्यू? वन से. वन से हाँ सर डाल सकते हैं आप पे तो. हाँ वन से डालो. सर जीरो से क्यों नहीं डाल रहे? जीरो से भी डाल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे बस ये नेगेटिव आ जाएगी ना, इसलिए नहीं डाल रहा. ठीक है चलो बोलो. टी n की वैल्यू वन डालो. 62 is equals to 1 t 1. हाँ बोलो. 1 t 1 minus 3 t 2. चलो अब 63 कितना आएगा? 63 नहीं समझ आ रहा क्या सर? आवाज नहीं आ रही हो. अच्छा अब समझ आ गया, यहाँ तक जो लिख रहा हूँ समझ आ रहा है? यस सर. टू डाला है ना सर एन? एन की वैल्यू टू डाला इधर, अब एन के लिए थ्री डाला. थ्री यस सर. ठीक है यस सर. सिक्स टी एन प्लस वन. अब बच्चे हमने शायद ना पीछे वाले क्वेश्चन में गलती की है, वो अभी हम करेक्ट कर लेंगे. अच्छा मैं यहाँ पे ना एक चीज, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ना एन की जगह, ये जो सीक्वेंस बना था हमारा, सीक्वेंस ये था हमारा, मेरे को कितनी टर्म्स का सम निकालना है? एन टर्म्स का. तो यहाँ पे लास्ट टर्म में एन की वैल्यू क्या डालेंगे? एन माइनस वन, तभी टी एन बनेगा. यस सर. ठीक है तो मैंने वहां पे गलती कर दी थी सर. सिक्स टी एन इज इक्वल टू क्या आएगा? एन की जगह एन माइनस वन पुट करने से टू एन माइनस वन इंटू टी एन. ये बात समझ आ गई बच्चे? टी एन माइनस वन नहीं, टी एन एन प्लस वन था ना ये, तो एन की जगह एन माइनस वन पुट करूंगा तो यही आएगा ना सर? पहला वाला. अच्छा 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 सॉरी. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? n माइनस वन माइनस. सही है अब? यस सर. अब बताओगे बच्चे मेरे को, अब जब ऐड करेंगे 6t2 प्लस t3 टिल अप टू tn, वो कितना आया? t1 माइनस 2n माइनस 1 tn. चलो tn. अब tn कितना है? वो 1/2n-1 कट जाए. वैल्यू डाल दो. अच्छा t1 कितना है? 1 × 3 × 5 × 7 105 होता है वो. माइनस अगर इसको 2n-1 डालेंगे तो 1/2n+1 × 2n+3 × 2n+5. सही है? यस सर. बात समझ आई है? आप पूरे टोटल को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे और दोनों साइड क्या ऐड कर देंगे? सर आपने वैल्यू क्या डाली है? किसकी? सर अभी लास्ट स्टेप में tn में. यस सर. जो अपना आखिरी वाला है जहां पे 1/105 आया. 10 t1 में n की वैल्यू 1 डाल दिए. ओके सर. ठीक है 105 आएगा वो. अब देखो बच्चे T2 plus T3 till up to Tn is equals to 1/105 minus 1/2n+1 × 2n+3 × 2n+5 / 6. ये बात समझ आ गई? Yes, दोनों साइड अब T1 ऐड कर दो 1/105. तो ये आ गया T1. अगर ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा टोटल Sn. बात समझ आ गई? यस सर. कोई डाउट है किसी को? सर ऐड करके फिर से बता दो.
ऐड क्यों किया, ये सम जो निकला था ना वो टी टू से टी एन तक का निकला था, टी वन तो ऐड ही नहीं था ना, तो इसलिए टी वन ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है सर। कौन बोल रहा था बच्चे? सर मुकुल। मुकुल बच्चे आप एक क्वेश्चन आप बोलो। ठीक है सर। बच्चे क्वेश्चन है आपका, जैसे वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन आप बोलो सर। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर टी वन ऐड करने के बाद उतना ही छोड़ दें या फिर आगे पूरा सॉल्व करें? छोड़ देना, सॉल्व नहीं करना। अच्छा ठीक है सर। जैसे अगर क्वेश्चन आता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स टिल अप टू एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। टी एन बोलो सर। एन 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 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। चलो आप इसके बाद वो बोलो जल्दी से, टी एन प्लस वन कितना आया? एन प्लस वन एन प्लस इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर। चलो अब दोनों को क्या करना है? सर डिवाइड। बोलो क्या आया? एन अपॉन एन प्लस फोर। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई सर, एन प्लस फोर इंटू टू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन टी एन। अब इसको क्या सोचना है n की जगह? n प्लस वन टी एन प्लस वन। तो n प्लस वन प्लस थ्री थ्री इंटू टी एन प्लस वन एन सर हो जाएगा n प्लस वन टी एन प्लस वन प्लस थ्री टी एन प्लस वन। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? n की जगह क्या डालूं जल्दी बोलो? n की जगह वन थ्री टू फोर सॉरी थ्री टू टू आ जाएगा। हाँ जल्दी बोलो। इक्वल टू टी वन माइनस टू टी एन प्लस टू। सर हाँ बोलो सर। जो ऊपर टी एन प्लस वन अपॉन टी एन करा है उसमें सर एन प्लस फोर वाई एन नहीं आएगा? एन क्या यार? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती है। सही है, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती होगी थोड़ी। कोई बात नहीं बच्चे, अभी ठीक कर लेते हैं। उसमें क्या आएगा? n प्लस कहाँ पे गलती? n प्लस टी एन बाई टी एन प्लस वन क्या आएगा? टी एन बाई टी एन प्लस वन बाई टी एन था ना? टी एन प्लस वन बाई टी एन एन प्लस फोर बाई एन प्लस फोर अपॉन एन। अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं। एन टी एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस फोर टी एन। इसके बाद है ना क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना जैसी क्लास खत्म होती है, ठीक है? क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है इसके बाद, जैसी दो मिनट बाद ज्वाइन करना, दो तीन मिनट बाद। अच्छा आप देखो बच्चे, ये इससे n की जगह n प्लस वन डालोगे तो क्या आएगा? n प्लस फाइव टी एन प्लस वन। तो n प्लस फाइव बनाना है तो इसे n प्लस फाइव किया माइनस फाइव किया टी एन प्लस वन बना। सही है? यस सर। एन प्लस फाइव टी एन प्लस वन टी एन प्लस वन माइनस फाइव टी एन प्लस वन। सही है? यस सर। सो एन प्लस फाइव टी एन सर उस साइड लेके जाना होगा। हाँ लेफ्ट एन की वैल्यू वन डालो जल्दी से। सर एन की वैल्यू वन होगी सिक्स टी एन सिक्स टी वन is equal to 5t2 plus 6t1। एक मिनट, टी एन प्लस वन होगा ना कहीं पे? एन प्लस फाइव इंटू टी एन टी एन प्लस वन, ये रहा सर। एन प्लस फाइव इंटू टी एन प्लस वन होगा। एन प्लस फाइव इंटू टी एन प्लस वन होगा और प्लस फोर के साथ टी एन ही रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है, एन प्लस फाइव इंटू टी एन प्लस वन रहेगा, ठीक है। चलो बोलो जल्दी से क्या आएगा फिर, जल्दी बोलो क्या आएगा। सर आप टर्म्स को उधर ले जाओ कि दूसरी साइड कंफ्यूजन हो रही है ऐसे देखने में। अच्छा अभी मैं एक बार लिख रहा हूँ, एन प्लस फाइव है ना, एन की जगह वन पुट किया तो सिक्स टी टू माइनस एन की जगह वन पुट करेंगे तो फाइव टी फाइव टी एन फाइव टी वन। दूसरी टर्म क्या आएगी एन के लिए? टू डालते ही सेवन टी थ्री माइनस माइनस सिक्स टी टू, ठीक है। लास्ट टर्म लिख देते हैं हम सीधा, एन की जगह एन माइनस वन पुट
करना है, n की जगह n माइनस n प्लस 4 टी n माइनस n प्लस 3 टी n माइनस 1 टी n माइनस 1 सॉरी. अब ऐड करेंगे तो कौन कौन सी टर्म बचेगी बोलो. बचेगी 5 बचेगी n प्लस 4 टी n माइनस 5 टी 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू टी 2 प्लस टी 3 टिल अप टू टी n. अब इसमें टी 1 ऐड कर दो दोनों साइड तो ये टी 1 होगा 2 × 3 × 4 हाँ वो जो भी है अभी 24 होगा. टी n पता है, टी 1 पता है, सब पता है, डाल दोगे? यस सर. यस सर. ठीक है, ये क्वेश्चंस कितने समझ आ गए हैं 1 to 12 तक? 1 to 12 तक समझ आ गए सबको? यस सर. ठीक है, एक काम करें, आफ्टर 5 मिनट हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके ट्राई करेंगे 5 मिनट्स के बाद ट्राई करते हैं. आप तब तक ट्राई करोगे कि 9th क्वेश्चन और एक 10th क्वेश्चन करके भेजोगे, 9th और 10th 5 मिनट्स के अंदर करके भेजेंगे सारे. ठीक है, 5 मिनट्स आफ्टर 5. हाँ बोल. पेज नंबर 4 पे. हाँ पेज नंबर 4 पे. अच्छा मिल गए. ठीक है, मैं शेयर भी कर रहा हूँ आपके साथ. 5 मिनट्स के बाद मीटिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है, जल्दी से ज्वाइन करेंगे. ओके. और ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दिया. फोन लेके